2014 के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर आप नजर डालिएगा तो हमेशा एक ही तरह का पिरामिड दिखाई देता है। इस पिरामिड में सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं और उसके बाद ही मुद्दों की बारी आती है। और इसी पर यह सवाल टिका है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही चेहरा बनाकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, क्योंकि याद रखिए वाराणसी से लखनऊ का दरवाजा खुलता है और लखनऊ से दिल्ली का। तो क्या पीएम इसीलिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं, क्योंकि योगी जीतते हैं या हारते हैं इसी पर 2024 में नरेंद्र मोदी के खुद का भविष्य टिका है। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी तरफ वे लोग भी थे जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। राम भक्तों की सरकार चाहिए या राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाली सरकार चाहिए? राम भक्तों की सरकार है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अभी योगी राज में ही हो रहा है। मुख्यमंत्री अयोध्या में दर्शन करते हैं, राम भक्तों की सरकार के नाम पर जिक्र नरेंद्र मोदी की सरकार का करते हैं। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी तरफ वे लोग भी थे जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। अब दूसरी तस्वीर देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के रहते शुरू होता है, जारी रहता है, लेकिन चुनाव के बेहद महत्वपूर्ण समय में काशी के पूरे शो में चेहरा प्रधानमंत्री का दिखता है। अब देखिए इस तस्वीर को, प्रचार प्रसार तस्वीरें सिर्फ प्रधानमंत्री की, शिलान्यास उद्घाटन पोस्टर में विकास का चेहरा नरेंद्र मोदी का। क्या ये भी लखनऊ की लड़ाई में बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है? जवाब मिलता है 2017 के चुनावी नतीजों के बाद के सर्वे में। नरेंद्र मोदी का चेहरा वोट की गारंटी ज्यादा बनता आ रहा है। 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने वालों की बात की जाए तो पार्टी के नाम पर 47%, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर 26%, उम्मीदवार के नाम पर 8%, अन्य वजहों से 10% लोगों ने वोट दिया, जबकि 7% लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के नाम पर वोट देने वाले देश में जहां 32% थे, उत्तर प्रदेश में 26% ने अपनी राय प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट देने की बताई। यानी 2017 से 2019 के बीच भी यूपी में मोदी के नाम पर वोट देने वाले मतदाताओं की तादाद में कमी नहीं आती। काशी में इसीलिए मुख्यमंत्री को साथ लेकर जनता से संवाद करते प्रधानमंत्री दिखते हैं, तो मानो वो अपने चेहरे अपनी योजनाओं पर यूपी सरकार कितना अमल कर रही है इसकी रिपोर्ट जनता से ही मांगते हैं। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर जी, आपके वजह से हम लोग का घर बन गया और हम लोग अच्छे। पहले कहाँ रहते थे? पहले जी मट्टी का कच्चा मकान था। हाँ। और अभी पक्का घर हो गया? पक्का घर हो गया। कितना समय हुआ? एक साल हो गया। बच्चों को अच्छा लगता है? बच्चों को अच्छा लगता है सर, नहीं पानी बरसता था तो बहुत उसमें पानी गिरता था, इधर बिस्तर था उधर बिस्तर था, और अब हम लोग को कोई टेंशन नहीं। सब मुसीबत चली गई। हमारे पहले सर बहुत दुखद बात है कि हमारे पास झोपड़ी थी, झोपड़ी में लेके बच्चों को पानी जब बरसता था तो इधर भीगते उधर भीगते थे और धूप छांव का भी परेशानी रहती थी। अब जब हमें पता चला तो हम आवास डूडा ऑफिस से भरे और जब हमारे यहाँ आवास बन गया, घर पक्का मकान बन गया, हमारे परिवार अब अच्छे अच्छे से। किसी को पैसा देना पड़ा क्या? नहीं, किसी को पैसा देना, रिश्वत नहीं देनी पड़ी? नहीं सर, किसी की सिफारिश लगानी पड़ी सर? नहीं, हम लोग खुद। किसी को ये कहना पड़ा मैं ये जात वाला हूँ मैं वो जात वाला हूँ? मेरा जात होगा तो पैसा मिलेगा, वो जात होगा तो नहीं मिलेगा? नहीं सर, ये जात पात की कोई भेदभाव नहीं रहती है सर, सब अच्छे अच्छे से हम लोग को मिल गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, खाद का कारखाना हो, एम्स हो, महिलाओं के लिए योजनाएं हो,
एक्सप्रेसवे हो। विकास का हर रिमोट प्रधानमंत्री मोदी के ही हाथ में नजर आता है। जबकि जून महीने को याद करें तो आरएसएस की दिल्ली बैठक में ये दावा हुआ कि क्षेत्रीय नेताओं के मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को सामने रखने से उनकी छवि को नुकसान हुआ है। विरोधी बेवजह उन्हें निशाना बनाते हैं, ऐसा संघ की बैठक में राय बनी। बंगाल जैसे राज्य में मिली हार के बाद देखिए ममता अब सीधे दिल्ली को चुनौती देने की तैयारी करती हैं। जून में आरएसएस की बैठक में दावा था कि तब संघ परिवार की राय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को ही आगे करके चुनाव लड़ने की रही, लेकिन जानकार कहते हैं प्लान बदलना पड़ा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सभाओं में जुटती भीड़ देखकर तमाम एजेंसियों के सर्वे में भले अब तक योगी आदित्यनाथ नंबर वन है, लेकिन धीरे धीरे अखिलेश यादव की लोकप्रियता भी आगे बढ़ती आ रही है। अखिलेश अधिकतर भाषणों में निशाने पर नरेंद्र मोदी को नहीं योगी सरकार को रखते हैं। बताओ कभी बाबा मुख्यमंत्री जी के मुंह से सुना है 3x616 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट? बताओ बाबा मुख्यमंत्री कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे? तो ये योगी नहीं है, नहीं, ये योगी नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी है। बताओ अनुपयोगी है कि नहीं है? जिन्होंने बिजली का बिल बढ़ा दिया हो वो अनुपयोगी है कि नहीं है? और जो अनुदेशकों की अभी तक कोई मदद न की हो वो योगी नहीं, वो अनुपयोगी है।